नमस्कार, मैं हूं पलक और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मंच तंत्र कार्यक्रम की धूम, सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से दी गई एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस। फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट रहा विजेता। राज्य विज्ञान संग्रहालय और तारा मंडल का उद्घाटन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया म्यूजियम का उद्घाटन। शूलिनी यूनिवर्सिटी संभालेगी संग्रहालय का प्रबंधन। स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता की कवायद, जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं को दी गई अहम जानकारियां। मनोविज्ञान विभाग की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन। स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया आयोजन। कई प्रतियोगिताएं भी की गई आयोजित। शूलिनी के वैज्ञानिकों को मिला सम्मान। टॉप 2% वैज्ञानिकों को मिली जगह। स्टैनफोर्ड की तरफ से मिला सम्मान। फार्मास्यूटिकल साइंसेज फैकल्टी ने मंच तंत्र की ट्रॉफी अपने नाम की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास। शूलिनी यूनिवर्सिटी का सालाना इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन मंच तंत्र की ट्रॉफी फार्मास्यूटिकल साइंसेज फैकल्टी ने जीती, जबकि लिबरल आर्ट्स और लीगल साइंसेज फैकल्टी दूसरे स्थान पर रही। मंच तंत्र में फ्लैश मॉब, ग्रुप डांस, लोक नृत्य, डुएट सिंगिंग और कई गतिविधियों की एक रोमांचक श्रृंखला शामिल थी। जजेस ने निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रमों की अध्यक्षता की। फ्लैश मॉब के लिए पैनल में तरुणा मेहता और अरविंद नंदा शामिल थे। 5 से 7 अक्टूबर तक हुए मुख्य कार्यक्रमों में भारत की विज्ञापक थीम के तहत विभिन्न विभागों की विविध प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान दोनों विभागों ने मंच संभाला, जिसमें नृत्य, गायन, स्टैंड अप कॉमेडी, फैशन शो, एंकरिंग और बहुत कुछ शामिल था। उत्साही प्रतियोगिता में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लिबरल आर्ट्स डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स, अप्लाइड साइंसेस और बायोटेक फैकल्टी समेत सभी डिपार्टमेंट की भागीदारी देखी गई। ग्रैंड फिनाले में फार्मास्यूटिकल साइंसेज अपनी उल्लेखनीय प्रतिभा और समर्पण के लिए विजेता बनकर उभरा। लिबरल आर्ट्स और लीगल डिपार्टमेंट ने रनर अप की पोजीशन हासिल की। डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हर साल मंच तंत्र अगले साल के लिए मानक बढ़ाता है। उन्होंने कहा, इस साल का प्रदर्शन अब तक का सबसे अच्छा रहा। कैमरा पर्सन हर्ष मिट्टा के साथ जानवी, शूलिनी संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान संग्रहालय और तारा मंडल के उद्घाटन की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान संग्रहालय और तारामंडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के पास शोगी में किया। शूलिनी यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित परियोजना का प्रबंधन सौंपा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र न सिर्फ बच्चों और शिक्षकों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि पैदा करेगा, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी विकसित करेगा। विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र इस केंद्र में स्थापित इंटरैक्टिव साइंस मॉडल के जरिए वैज्ञानिक सिद्धांतों को आसानी से समझ सकते हैं। केंद्र में 60 विज्ञान प्रदर्शनियां देश के शीर्ष वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला एक हॉल ऑफ फेम, एक पुस्तकालय और एक यूट्यूब स्टूडियो है। इसका मकसद विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को एक साहसिक यात्रा के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद की तरफ से स्थापित इस परिसर का प्रबंधन और संचालन शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को केंद्र समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि यह कार्यक्रम आधुनिक भारत में विज्ञान और बढ़ावा देने के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के दृष्टिकोण में साकार करता है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षक भी बनेगा। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पी के खोसला ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि कई प्रमुख कलाकार, वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट इस परियोजना के लिए यूनिवर्सिटी के मार्गदर्शन करेंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कैमरा पर्सन हर्ष मिट्टा के साथ अर्शी लोधी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने स्तन कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अक्टूबर में दुनिया भर में स्तन कैंसर जागरूकता महीना मनाया जाता है।
इस मौके पर शूलनी यूनिवर्सिटी ने भी स्तन कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्रिकेटर युवराज सिंह की तरफ से स्थापित प्रसिद्ध यूवी कैन फाउंडेशन के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास में भागीदारी की। यह पहल यूनिवर्सिटी कैंपस में कर्मचारियों को शिक्षित कराने और महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग प्रदान कराने के लिए किए गए थे। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ इस अनूठे प्रयास का मकसद महिलाओं को स्तन कैंसर के खतरे के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना था और उनसे नियमित जांच कराने का आग्रह किया गया ताकि इस बीमारी का शुरुआत चरण में ही पता लगाया जा सके। इस कार्यक्रम में शिक्षण स्टाफ, गैर शिक्षण स्टाफ और हाउसकीपिंग कर्मियों समेत लगभग 85 महिलाओं ने हिस्सा लिया। यूविकैन फाउंडेशन के समर्पित मेडिकल टीम ने प्रतिभागियों के बीच किसी भी चिंता और परेशानी को कम करने के लिए व्यापक परामर्श की पेशकश करते हुए आगे बढ़ाकर काम किया। डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा ने अपने अनुभव के बारे में बोलते हुए जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ खुशी शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मनोविज्ञान विभाग की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ साइकोलॉजी एंड बिहेवियर साइंस ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को चिन्हित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का आयोजन और नेतृत्व पूरी तरह से छात्रों की तरफ से किया गया था, जो मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालय के भीतर समर्थन, सहयोग और सेल्फ एक्सप्रेशन के माहौल को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छात्रों की तरफ से कला चिकित्सा सत्र जैसे कुछ दिलचस्प मनोवैज्ञानिक खेल आयोजित किए गए, जहां वे प्रतिभागियों को कला, टैटू बनाना, ब्रांडिंग और सहायता और संवाद नामक इंटरैक्टिव शो के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। कार्यक्रम ने मानसिक कल्याण पर महत्वपूर्ण संदेश के रूप में कार्य किया। सेंटर ऑफ साइकोलॉजी एंड बिहेवियर साइंस में डॉक्टर अनिता चौहान और पूरी टीम ने छात्रों को सभी जानकारी और सहायता प्रदान की। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अंकित, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के 13 वैज्ञानिकों को स्टैनफोर्ड ने टॉप 2% वैज्ञानिकों में जगह दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी के 13 वैज्ञानिकों को एल्जेवियर की तरफ से प्रकाशित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वार्षिक रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध किया गया है। इन असाधारण व्यक्तियों में से 6 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने सम्मानित सूची में अपना योग्य स्थान अर्जित किया है। इनमें गौरव शर्मा, श्याम सिंह चंडेल, स्वरूप राय, प्रदीप सिंह, अनिल कुमार और पंकज रायजादा शामिल हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा, यूनिवर्सिटी शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर बदलाव लाने वाले अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए अटूट समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राघव, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे एंजेला के पास, जो अगले हफ्ते की रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। हेलो, हाय और नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपको बताने जा रही हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। बधाई हो, वायरल हुआ है आरजे एंजेला। मेरी कलम से आरजे वासु, अनसॉल्व क्रॉनिकल्स आरजे नीरज, द हिडन ट्रुथ आरजे आदर्श। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को सिर्फ रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।